हेलो एंड यू वॉचिंग क्लैपट्रैप, वी आर बैक अगेन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपको पेंटिंग्स के बारे में बताएंगे, हैंडमेड पेंटिंग्स हो या स्क्रीन प्रिंटिंग पेंटिंग्स, या आप खुद बनाते हो या परचेज करते हो, देर आर सर्टेन रूल्स टू फॉलो। एक एक करके आपको रूल्स बता दें। जब भी आप पेंटिंग हैंग करें तो याद रखें वो ह्यूमन आई लेवल पे हो, अप्रॉक्सीमेटली उसका सेंटर पॉइंट 6 फीट हाइट पे हो अप्रॉक्सीमेटली। अपनी वॉल का टोटल एरिया अगर आप 10x10 की वॉल पे लगा रहे हैं तो उसका कवरिंग एटलीस्ट 15% हो, या फिर आप फुल वॉल भी कवर कर सकते हैं जिस तरह से इसमें की गई है, बट ये बेसिक रूल है कि आप 15% एरिया कवर करें। बहुत छोटी पेंटिंग्स बहुत ख़राब दिखती हैं। इसके अलावा जब भी आप कोई भी थीम चूज़ कर रहे हैं तो आप राइट वॉल को चूज़ करें जिसके ऊपर लाइट प्रॉपर आती हो, जनरली जहाँ आप बैठते हैं उसके ऑपोजिट वॉल जो है वो अप्रोप्रिएट होती हैं। इसके अलावा रिलीजियस फेथ की जितनी पेंटिंग्स हैं उनको रिलीजियस एरिया में ही लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। वेल, अब हम आ गए हैं अर्चित आर्ट गैलरी पे, आज आपको बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाएं। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन जी, एंड वेलकम टू क्लैपट्रैप, एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आपसे दूसरी बार मुलाकात हो रही है हमारी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हमारे व्यूअर्स को आज हम बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, अफकोर्स प्रोडक्ट तो बहुत सारे दिखाएंगे ही और बहुत सारे आइडियाज़ भी आज शेयर करेंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ भी दबा के शेयर करेंगे हम, क्योंकि वॉल आर्ट को लेके लोगों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। मेरा एक्सपीरियंस है लोग गलत अप्रोप्रिएट तरह की पेंटिंग्स नहीं लगाते अपने घर में, उनके थीम मैच नहीं होते हैं, उनके साइज़ मैच नहीं होते हैं, तो साइज़ के बारे में तो हमने बता दिया, हमारे व्यूअर्स को थोड़ी सी टिप्स भी दे दी। और क्योंकि अब हम बहुत सारी पेंटिंग्स देखेंगे, थोड़ा सा एक छोटा सा बैकग्राउंड आप हमें बता दीजिए, मतलब बड़ा एक बैकग्राउंड तो बड़ा है पर शॉर्ट में आप बताएं। हाँ जी, मेरा नाम संजय अरोड़ा है जी, मेरी फर्म का नाम है अर्चित आर्ट गैलरी जी, ये गोल मार्केट में है दिल्ली में। हाँ जी, और पिछले कई साल से आप? हाँ जी, हम यहाँ पर मार्केट तो है 70 साल पुरानी है, हम 50 ईयर से ये मतलब हमारे पास शॉप है, 50 साल से। हाँ जी, वाओ, आई रिमेम्बर, याद आ गया मुझे, आपने बताया था लास्ट टाइम 50 ईयर से जी। और हमारा डील जो है कैनवस पेंटिंग, हैंडमेड पेंटिंग जो होती है उस पर है, और डिजिटल प्रिंट जो मशीन मेड होती है, ये दोनों में डील करते हैं। 50 रुपये से स्टार्टिंग है और ऊपर तो फिर 8.5, कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है सर, आपने बड़ी अच्छी एक बात बताई हमारे व्यूअर्स को, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ कि जो आपने बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कहा कि आपने मीडियम डिसाइड किया, दो तरह से पेंटिंग्स आपने बताई, एक तो वो जो कि मशीन से प्रिंट हो जाती हैं। हाँ जी, आप कोई भी डिज़ाइन दें आप उसको कैनवास पे मशीन से प्रिंट करा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक तो ये है। हाँ जी। दूसरे वो हैं जो कि हैंडमेड है, ओरिजिनल है, जिनको वो कौन लोग बनाते हैं? वो स्टूडेंट हैं, आर्टिस्ट हैं, और जो घर में शौकिया करते हैं लेडीज़ वगैरह वो भी करती हैं, अगर वो हमारे प्राइस में उनको सूट करता है तो वो दे जाती हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे तो होलसेल प्राइस हैं सारे, बहुत रिजनेबल प्राइस पे काम है, तो अगर वो भी हम लेते हैं आर्टिस्टों से। अच्छा। ज़्यादातर स्टूडेंट हैं जो मतलब आर्ट कॉलेज वाले से स्टूडेंट हैं, उनसे लेते हैं। ठीक है। लॉकडाउन के टाइम पे भी हमने एक वीडियो किया था, आपने हमें कुछ फुटेज भेजे थे, हमने क्विकली दिखाया था कि किस तरह से स्टूडेंट्स लॉकडाउन में, तो हमने बहुत आर्टिस्टों की हेल्प करी है और बहुत पेंटिंगें हमने उनसे ली है, बहुत खुश हुए आर्टिस्ट की भाई घर में बैठ के काम हो गया उनका बहुत ज़्यादा। ओके। और हाँ, उनकी काफ़ी हेल्प हुई है, बहुत खुश थे सारे। आपने बहुत मॉडेस्टली बता दिया, मैं बता दूं आपको कि अर्चित आर्ट गैलरी ने मतलब मुझे मालूम है फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव के टाइम में, बिकॉज आई वॉज इन टच विद यू एंड यू हैव एक्सटेंडेड योर हेल्प टू हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स दोज़ हू वर सिटिंग एट होम, दे डिड नॉट हैव पेंट कैनवास, मैं इंग्लिश में बोलता हूँ ताकि सब समझ सकें, और आपने उनको कलर्स दिए, आपने उनको कैनवास दिए, आपने उनको आइडियाज़ दिए कि आप इस तरह से पेंटिंग बनाओ, अपना स्टॉक इन्वेंटरी जो मेंटेन करो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हेल्प है सर। हाँ जी, वेरी बिग हेल्प टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज़ हू आर वर्किंग। करेक्ट है, ये तो हो गया, हमारा थोड़ा सा इमोशनल हो गया अभी हम, बट वील कम बैक टू आर्ट। अब हर साइज़ की हमारे पास हैं, आपने बिल्कुल हर साइज़ 6 इंच बाई 6 इंच से लेकर के और 2.5 बाई 5 तक का साइज हमारे पास साइज है। हाँ, और बाकी जो साइज अगर कस्टमर कहता है कि साइज बड़ा भी चाहिए, इससे भी बड़ा हम फिर ऑर्डर पे बना देते हैं। ठीक है। हाँ, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट हैं तो काफी सारे लोग, पिछली बार आपने बताया था, हाँ, उनको पेंटिंग दे दें तो वो रिक्रिएट कर, वो देते बस हैं। बना देते हैं। हाँ जी, हाँ, रिक्रिएट कर देते हैं, किसी बड़े आर्टिस्ट की भी बनवानी हो तो भी वो बना देते हैं। अच्छा, उसे इंस्पायर होकर बना सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और एक चीज़ थी कि जो पेंटिंग्स का जो पूरा ट्रेड है, हाँ, वो पूरा एक क्रिएटिव फील्ड है अपने आप में। हाँ जी, हाँ जी। तो कई सारे डिज़ाइन आइडियाज़ लोगों को नहीं समझ में आते हैं, तो क्या आप थोड़ा सा उनको क्रिएटिवली भी हेल्प करते हैं? हाँ, वो भी करते हैं, हम उनको बताते हैं कि आपके यहाँ से ये पेंटिंग ज़्यादा सूट करेगी, वो लगा लो। अच्छा। लोग हमें अपने घर की फ़ोटो वगैरह खींच कर भेज देते हैं, साइज़ के आइडिया लेते हैं हमसे कि यहाँ पर क्या होगा,
तो वो भी हम उनको एकदम ठीक है चला देते हैं। और हर थीम के ऊपर बेस्ड है हमारा, नेचर है, नेचर है, इंडियन आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, वर्ली आर्ट है। अच्छा, वर्ली भी हमारा। हाँ जी, हाँ जी, बस्तर आर्ट है हमारे पास छत्तीसगढ़ का। अच्छा, हाँ, वो काफी अच्छा काम है हमारे पास, और वो मिल जाएगा। वो मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्न आर्ट वगैरह है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है हमारे पास, ये सब मिल जाएगा। एनिमल्स हैं, कुछ रिलीजियस भी होते हैं, हॉर्सेस हैं, राधा कृष्ण है, गणेशा है। अच्छा, हाँ, ये बुद्धा का है, मतलब हर तरह के, जो भी कस्टमर एक बार आएगा हमारी शॉप पर तो खुश हो जाएगा। और खास तौर से महाराष्ट्र के लोग जो हमारे पास आएंगे तो उनकी तो लॉटरी खुल जाएगी। अच्छा, महाराष्ट्र और बेंगलोर के, क्योंकि वहाँ पर पेंटिंग की लाइन बहुत ही हाई रेंज में है। सारी छोटा सा छोटी भी अगर आप किसी गैलरी में चले जाओ तो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, इतनी महंगी पेंटिंग्स है एक आम आदमी। और जो वो जब मेरे पास महाराष्ट्र से या बेंगलोर से कोई लोग आते हैं तो इतने खुश होकर के जाते हैं और भर भर के लेके जाते हैं पेंटिंग। लवली, उनके लिए तो लॉटरी है, मगर उनको सिर्फ अब ये है कि मेरी गैलरी में आना पड़ेगा। और दिल्ली में आएंगे तो उनके पैसे वसूल, उनके किराए वसूल, उनका जो ज़्यादा जो भी खर्चा यहाँ पे किया होगा होटल में रहने का, वो सब फजूल हो जाएगा हमारी दुकान में आकर के। सो नाइस, बढ़िया पेंटिंग मिलेगी उनको। ठीक है, तो जितनी भी पेंटिंग आप खरीदते हैं उसे आपके, आपने जैसे अभी बताया जी कि सिर्फ स्टोर की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हाँ जी, आप इनडायरेक्टली उनको भी हेल्प कर रहे हैं। हाँ जी, चलिए अब क्योंकि इंट्रोडक्शन हो गया हमारा लंबा, हमारे इंट्रो थोड़े लंबे होते हैं। हाँ जी, लोग कहते हैं कि हम बहुत बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से बेसिक बताना जरूरी है। अब हम स्टार्ट करेंगे टूर लेना। हाँ जी, आपके साथ चलेंगे और काफ़ी सारी आर्ट्स हैं वो देखेंगे अभी हम। हाँ जी, हाँ जी, मैं दिखाता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये कैनवस पेंटिंग है, हैंडमेड है जी। इसमें ये साइज है 2x3 फुट, फ्रेम के साथ बैठ जाता है 28x40 इंच। ओरिजिनल है ये? हाँ जी, ये ओरिजिनल हैंड पेंटिंग है। ये 1600 रुपये की है। अच्छा, हाँ, इस साइज में हमारे पास 1600 से स्टार्टिंग है और अभी फिलहाल 3500 तक की रेंज में है। विद फ्रेम है? हाँ, 1600, 1800, 2200, 2500, 3000, 3500 इस रेंज में मिल जाएगी। ठीक है, अब इसी साइज में जैसे ये राधा किशन वगैरह हैं, ये आप देख सकते हो, ये पूरी वैरायटी राधा किशन वगैरह की। अच्छा, है, ये देख सकते हो। फिर इसमें हम और पास जैसे ये इंडियन विलेज वगैरह है, ये सर, सब एक दो इसमें से मुझे निकाल के दिखा दीजिए। हाँ, ये वाला भी है, ये दिखा दीजिए। इंडियन वर्क है, बहुत फाइन वर्क है ये भी। अच्छा, वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा है। ये हमारे लोकल दिल्ली के आर्टिस्ट हैं, दिल्ली के आर्टिस्ट हैं, वो बहुत अच्छा बना है ये। बार बार क्लियर कर दें सर, ये रिप्रोडक्शन नहीं है, मशीन मेड नहीं है, हैंडमेड है, ओरिजिनल है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा है। मशीन मेड भी दिखाएंगे, पहले अभी आपको हैंडमेड दिखाएंगे। अच्छा, पूरी कैटेगरी हैंडमेड की। हाँ जी, हाँ जी। क्या प्राइस रेंज है ये? 3000 का है जी। अच्छा, वही मैंने बताया ना, 1600 से स्टार्टिंग है। अच्छा, और 3500 तक, तो ये वो वाले हैं कुछ। तो और इसमें, सैंपल देखते हैं। हाँ, इसमें ये सारे मतलब, अब ये देखिए इंडियन आर्ट में। ये देखो, अच्छा, कितना फाइन काम है ये। हाँ, ये काफी डिटेल है। ये एथनिक घर, जो ट्रेडिशनल घर होते हैं, उन डिजाइन उनके लिए बड़ा अच्छा है। ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, ये हम 2500 का बेच रहे हैं। अच्छा, अगर कोई आप मतलब शौकिया कोई काम करेगा तो 2500 का तो मटेरियल चाहिए। हाँ, ठीक बात। हाँ, और हाँ, और ये काम में आपको कम से कम 1 महीना लग जाएगा बनाने में, मगर हमारे पास जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं वो एक आधे दिन 2 दिन में बना देते हैं। बिल्कुल, ये वो चीज़, ये तो एक तपस्या होती है। हमारे एक आर्टिस्ट एक दो टच में वो हमें बताते हैं। ये मेरा फेवरेट है, ये आपके पहले आते ही देखा आपने। ये दिस इज माय फेवरेट, ये जो ब्लैक स्पॉट व्हाइट स्पॉट है, ये सब निकल जाएगा, वॉशेबल है ये, निकल जाएगा। ठीक है, माय फेवरेट सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये ना थोड़ा मॉडर्न भी है और एब्स्ट्रैक्ट भी है। हाँ जी, हाँ जी, डॉग है बेसिकली, मल्टी कलर ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर बेस। ये क्या प्राइस रेंज में? ये 2500 का जी। अच्छा, ठीक है, और वैसे हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है। एक ये देखिए, अरे वाह, ये मॉडर्न, ये नई चीज हमने निकाली है, वेरी नाइस। ये भी जैसे यंग स्टूडेंट हैं, यंग बच्चे हैं, उनके रूम में लग सकती है, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में भी लग सकती है। एग्जैक्टली, हाँ, वहाँ भी लगा सकते हैं, कैफे वगैरह में लग सकती है, सैलून में लग सकती है, ब्यूटी पार्लर में लग सकती है, कहीं भी लगा लीजिए। अभी हम नॉन स्टॉप जाएंगे, अभी बहुत सारे हैं। और ये सारे, अब ये देखिए पिकॉक है जी। हाँ, अब ये पिकॉक देखिए, जो जो रेंज मैं आपको बताऊंगा ये रेंज की अब नहीं मिलेगी दिल्ली में आपको, जाहिर सी बात है। ये ऐसा काम है, इतना ये कितने का? फाइन काम है, 2500 रुपए की। अच्छा, ठीक है,
और अभी हम क्या देखने वाले हैं? एक हमारा ये आर्टिस्ट है, बेस्ट आर्टिस्ट है, ये भी लैंडस्केप में है, ये भी थोड़ा इम्बोज वर्क काम है और बहुत फाइन आर्टिस्ट है। अच्छा। हाँ, मैं तो कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी कस्टमर आता है उसको बोलता हूँ फोटो खींचो, इसकी कॉपी करके दिखाओ, फ्री दे दूंगा आपको। इसमें डिटेल बहुत अच्छा है, डिटेल ये जो कलर है ना, ये कलर आर्टिस्ट खुद बनाते हैं अपने कलर। अच्छा। ये हाँ, ये जब ये सब देख रहे हो इतना मोटा मोटा काम कलर किया हुआ है, ये खुद आर्टिस्ट खुद क्रिएट है। हाँ, ये हमारे व्यूअर्स को मिल जाएगा क्या है हमारे पास, है ना? हाँ जी। ये ठीक है, ये जो नाइफ पेंटिंग्स जैसा होता है वैसा। सर एक ये वाला मुझे दिखा दीजिए, लाइक दिस वन, मुझे लगता है ये अच्छा दिखेगा। अच्छा, ये भी वो है सिनेमैटिक ब्यूटी है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ये क्या प्राइस रेंज में? इसमें हमारे पास ना दो तीन तरह के काम आते हैं, ये 2200 रुपए का है। अच्छा। इसमें हमारे पास 3500 तक का भी काम आता है इसी आर्टिस्ट का। अच्छा। वो जैसे काम मतलब होता है उस हिसाब से प्राइस हो जाते हैं। एक ये देखिए पेंटिंग, ये भी लैंडस्केप में। अब ये आर्टिस्ट बहुत ही लोअर था, पुअर घर। अच्छा। है, मगर बनाया उसने, हमने लिया उसका ये काम। अच्छा। मतलब हेल्प के लिए, हालांकि मेरे पास ये बेस्ट आर्टिस्ट है और फिर भी हमने ये काम लिया उसका। क्यों ऐसा आपको लगा? कि भाई थोड़ा उसको वो करने के लिए और अपना, मैंने कहा चलो दोनों चीज़ रखें, अच्छी भी और थोड़ी हल्की भी, जैसे जिसका बजट है उस हिसाब से। कस्टमर भी होता है, हर किसी का कस्टमर का 3000 का बजट नहीं है तो वो 2200 में या और सस्ता भी लेता है जी। हाँ, उससे आर्टिस्ट को भी थोड़ी हेल्प। हाँ जी, ये भी वही आर्टिस्ट है। ये सर ये दिखा दीजिए, मैं दिखाता हूँ, थोड़ी अलग चीज़ है ये। मुझे थोड़ा लैंडस्केप से ज़्यादा मुझे थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट पसंद आते हैं, है ना? इनमें देखिए ये थोड़ा सा कॉन्टेम्प्रेरी है, एब्स्ट्रैक्ट है। अभी जिस तरह के घर के हम इंटीरियर डिज़ाइन करते आ रहे हैं या हम फीचर करते हैं अपने चैनल पर अक्सर, तो वहाँ पे बहुत सारे, मैं बताऊँ आपको सर, इंटीरियर डिज़ाइनर से जब हमारा इंटरेक्शन होता है, उनकी वॉल्स ना खाली रह जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके पास उनको अप्रोप्रिएट पेंटिंग नहीं मिलती है। तो ये कॉन्टेम्प्रेरी जो घर बनाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें गोल्ड वर्क है, मॉडर्न है, एब्स्ट्रैक्ट है, सरलिज्म है इसमें, एक है ना, एक बहुत अच्छा है। ये क्या प्राइस रेंज का है सर? ये 3000 की है जी। अरे अरे वाह। ओके। अगर किसी को अप्रोप्रिएट फ्रेमिंग चेंज करानी हो तो वो आप करा देंगे? नहीं नहीं, फ्रेमिंग चेंज होगी हमारी, ये फ्रेमिंग जब लगती है ना तब अच्छी लगती है और क्या कहते हैं तभी पता लगेगा कि क्या चीज़ है। ठीक बात है। बाकी आप अपने एंड से कराना चाहें तो ले जाके वो करा सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। अब जैसे ये बुद्धा की है। अच्छा। हाँ, अभी हम ओरिजिनल के ही हैंडवर्क के ही सीरीज में हैं। हाँ जी। ओके। और साइज वही दिखा रहे हैं, 28x40 का जो साइज है। ठीक है, ये दिखा रहे हैं हम। ओके। फिर इसके बाद मैं आपको बड़ी दिखाता हूँ, बड़ी भी दिखाता हूँ, इससे भी बड़ी हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी। और अभी इसमें एक और भी काम है हमारे पास, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। एक और मेरा फेवरेट गया पीछे। अरे वाह। वो भी दिखाता हूँ, ये देखो, ये भी हैंडवर्क है। ये भी हैंडवर्क है। वाओ, ये आर्टिस्ट कहाँ के हैं? ये भी दिल्ली के ही आर्टिस्ट। अच्छा। हाँ जी। ओके, बहुत अच्छा काम किया है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत डिटेल है इसमें, देखिए कि चीज़ आप डिटेल में देख पा रहे हैं। हाँ जी। ऑफ कोर्स इसको आप अपने अप्रोप्रिएट जगह के हिसाब से चूज करके लगाएं। हाँ जी, हाँ। लेकिन बहुत अच्छा है ये। हाँ जी। सर फर्स्ट वन मुझे दिखा दीजिए, पहला वाला, वो वाला, इसके बाद वाला, ये वाला। हाँ, ये दिखाता हूँ। ये भी ओरिजिनल में? हाँ जी, ये ओरिजिनल है। अच्छा। ओरिजिनल हैंडमेड का वर्क है, इसमें राजा रानी का जोड़ा दोनों ही है। अच्छा। हाँ, एक आपको मिलेगा राजा और एक ये रानी है इसके साथ। ये भी आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं। ये कहाँ के हैं? ये दिल्ली का ही है, वैसे ये राजस्थान आर्ट है। अच्छा। हाँ, ये वहाँ का आर्ट है, मगर आर्ट दिल्ली वालों ने बनाई है ये। अच्छा। हाँ जी। और क्योंकि ये रॉयल है इसलिए इसकी फ्रेमिंग भी थोड़ी रॉयल की है। इसमें फ्रेमिंग डबल फ्रेमिंग करी है, पीछे भी अलग फ्रेम है, ये अलग फ्रेमिंग करी है। ओके। हाँ, ये 11000 रुपए का पेयर है जी। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा अपर रेंज में। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इसमें डिटेल ज्यादा है। डिटेल ज्यादा है जी। ये देख रहे हैं एक-एक इसमें डिटेल है, क्लोथिंग का पूरा डिटेल है, पूरा फ्रेमिंग ही काफी महंगी है जी। फ्रेमिंग काफी महंगी है। ओके। जी का है जी। ये भी ओरिजिनल की सीरीज है, ओरिजिनल में है। एक हमारे पास गणेश जी के साथ गणेश ओम स्वास्तिक 3 पीस का सेट है। अच्छा। हाँ, वो ये देखिए, ये ये ओरिजिनल में, ये ओरिजिनल पेंटिंग है सारी। ये भी आप ध्यान से देखेंगे तो टेक्सचर का काम टेक्सचर है इसमें। हाँ जी, जी। इसमें ये साइज 12x12 का है,
इसमें एक थोड़ा बड़ा साइज़ भी आ रहा है अभी, वो भी सेम आर्टिस्ट का है। ये 1350 रुपये का सेट है, 3 पीस का। अच्छा, हाँ जी। और अब जो बड़ा बन के आएगा उसका क्या रेट है वो अब बाद में देखेंगे। ठीक है, अप्रोप्रिएटली सूटेबल फॉर टेम्पल, हम सजेस्ट करते हैं कि इस तरह की पेंटिंग्स हुआ पेंटिंग्स। हाँ, ये सोफे के सामने वाली वॉल पे लग सकता है। एक तो सोफे के ऊपर जो है साइज वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। श्योर। और ये साइड वॉल के लिए है। ठीक है, इस तरह के। और इस तरह ये साइज में हमारे पास काफी वैरायटी होती है। ओके, हाँ जी। इस साइज में हमारे पास कुछ एब्स्ट्रैक्ट है। हाँ, सर मेरे को कुछ पीसेस दिखा दीजिए। हाँ, ये है, आप ये है। छोटे साइज के बारे में हमने बिगनिंग ऑफ द वीडियो बताया था। हाँ, कि जब भी आप छोटे साइज की लें तो आपको क्या करना है, आपको कोलाज करना है। हाँ, ये एक नहीं लेना है। हाँ, इसमें से आपको सेट ऑफ 3, सेट ऑफ 4, सेट ऑफ 5, इस तरह से आपको लेनी है। ये तब क्लब करेंगे तो अच्छी दिखाई देंगी, है ना। इनको सारे एक साथ, ये जो साइज है पूरा वॉल बना लीजिए, है ना। ठीक है, 1300 रुपये का 3, 450 रुपए की एक है ये। 450 इसमें मतलब 450 की भी है, 500 की भी है, वो जैसे जैसे काम है उस हिसाब से। अच्छा, प्राइस है। ओके जी, ठीक है। अब मैं आपको सोफे के ऊपर का साइज का दिखाता हूँ। अच्छा, जो लार्जेस्ट बड़े साइज में। हाँ जी, जो जो सोफे के ऊपर सूट करते हैं, अच्छे लगते हैं लार्ज बड़ी वॉल के ऊपर। अच्छा, ये देखिए, ये साइज जो है सोफे के ऊपर बेड के ऊपर का साइज है। हाँ। ये है 28x52। अच्छा, हाँ जी, ये मतलब साइज है 28x52 का साइज है। ओके, और ये 2100 रुपए की है। इस साइज में हमारे पास 2100 से स्टार्टिंग है और 5500 तक की पेंटिंग है। ठीक है, हाँ, अलग अलग, वही मैंने बताया, जैसे अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग प्राइस है। ये क्विकली एक ब्राउज कर लें, ये सारे इनके डिजाइन। हाँ जी, हाँ जी, इसी साइज के ये सारे डिजाइन है। ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये आपके फेमस जो फेवरेट है, मुझे अच्छी लगती है। हाँ, ये देखो, ये सिटी, एक ये सिटी वाली है, ये भी काफ़ी अच्छा है काम। ये भी बिकता है, ये 3500 का है। रेट हमने ये सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप दिखाइए रेट भी, और रेट सबके ऊपर लिखे हुए हैं, प्राइस फिक्स रखे हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आइए और अपना चूज़ करिए और लेके जाइए। ठीक है, ये एक आपने एक मैकेनिज्म डेवलप कर रखा है कि अगर आप नहीं भी होंगे तो आप लीजिए, डब्बे में पैसे डालिए जाए। ये भी कर सकते हो। कंट्री देखिए, आर्ट के फील्ड, आर्ट के जितने लवर्स होते हैं सर, वो अच्छे इंसान होते हैं। ओके, ठीक है। ये देखिए, ये वर्ली आर्ट है। वर्ली इज महाराष्ट्रियन आर्ट है, ये महाराष्ट्र का ओरिजिन, महाराष्ट्र से हुआ था। और ये ट्राइबल आर्ट है, बहुत पॉपुलर है महाराष्ट्र में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। ठीक है, ये वो है। इसको भी स्टूडेंट बनाते हैं या ट्राइबल आर्ट है? ये तो ट्राइब के लोग बनाते हैं। नहीं, स्टूडेंट ही बनाते हैं। हाँ। ये क्या प्राइस में रखा है हमने? ये 3000 का है। अच्छा, हाँ, वो जैसे काम होगा उस हिसाब से प्राइस होते हैं ये। ठीक है, अब काम इसमें थोड़ा कम है तो इतना, अगर काम ज्यादा होगा तो फिर ये प्राइस उस हिसाब से होंगे, मगर ज्यादा नहीं होंगे। मतलब मैं आपको सबको ये कहता हूँ कि आप बेफिक्र होकर एक बार आइए, आपको हर रेंज की चीज मिल जाएगी। इस साइज में हमारे पास 1300 की भी चीज है। अच्छा, सेम साइज में। हाँ, और वो भी वो नहीं, वो मशीन मेड है, डिजिटल वाली होगी। अच्छा, हाँ जी। और ये ट्राइबल में एक हमारे पास ये है, ये देखिए, ये दिखाइए जी, ये बस्तर आर्ट कहते हैं इसको। अच्छा, हाँ, ये छत्तीसगढ़ का बस्तर, वो ट्राइबल लोग बनाते हैं इसको। अच्छा, ये ओरिजिनल वहीं से आते हैं, अंदर का पीस फ्रेमिंग हम यहाँ करते हैं। ओके, हाँ, ये 350 की रेंज में है, और ये भी मतलब अच्छा सेल होता है हमारा। ऑलराइट, हाँ जी, क्योंकि हम बात कर रहे थे ओरिजिनल की अभी फिलहाल, और कंटिन्यू करेंगे, पहले ये सीरीज कंप्लीट कर लें। हाँ जी, अभी ओरिजिनल हैंडवर्क की, फिर हम ये वाले आर्ट बिल्कुल जाएंगे, जो पेंटिंग से अलग हटके। एक ये हॉर्सेज है, ये वाला वास्तु के हिसाब से हमारे पास बड़ा डिमांड में है। अच्छा जी, हाँ, ये सनराइज के साथ है और बहुत ही मतलब लोग मांगते हैं। हाँ, ये तो मेरे पास, ये तो मेरे पास बाहर से भी फोन आते हैं और मैं रोल करके भेज देता हूँ, बाकी और कुछ नहीं भेजता हूँ, सिर्फ ये घोड़े वाले भेजता हूँ। अच्छा। बाकी तो देखना मुश्किल है, दिखाना मुश्किल है और भेजना भी बड़ा मुश्किल है। और वो ये रोल करके, क्योंकि आपको लगता है ये किसी के वास्तु में हेल्प करेगा। हाँ, इसके लिए ये वो है। अच्छा, ये वो चीज़ है। क्या प्राइस रेंज है इसका? ये 4000 का है। अच्छा, और ये वाला ओरिजिनल में? हाँ जी, ये भी ओरिजिनल वर्क है ये। अच्छा। ये हमारा वही आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा। ये देख सकते हैं आप। ओह, ये ऑयल ऑन कैनवास लगता है। ये एक्रेलिक है, सब एक्रेलिक कलर्स में आया। अच्छा, ऑयल में कोई भी टाइम लगता है? ऑयल में टाइम, सूखने में भी 15 दिन लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इस रेंज में अगर 15 दिन आर्टिस्ट अपने घर पेंटिंग रखेगा तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक बात है। हाँ जी, मैंने भी ऑयल में थोड़ा ट्राई किया था। हाँ जी, हाँ जी। ऑयल में मर्जिंग अच्छी होती है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एक्रेलिक की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि ये इजी टू मेंटेन होते हैं। हाँ जी, डस्ट कलेक्ट नहीं करते और ये जल्दी सूख जाते हैं। हाँ जी, जल्दी सूख जाते हैं। ओके, ये जो भी आपने हमें दिखाई थी, ये क्या प्राइस रेंज की थी? ये 3500 की। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको डिजिटल दिखाता हूँ। अच्छा, डिजिटल, बाकी आप ये इधर भी एक बार देख लीजिए,
पर आप बताते जाए हमें कि इसमें ओरिजिनल कौन सा है। ये सब ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल लगे हुए सारे। ये भी ओरिजिनल है? हाँ जी, हाँ जी। ये भी हैंडमेड है? हाँ जी। ये भी हैंडमेड है पूरा? हाँ जी, हाँ जी। ये सारे हैंडमेड है? हाँ जी। एक ये हमारी बहुत ज्यादा सेल होती है। अच्छा, ये इजिप्शियन आर्ट कहते हैं इसको। जी जी। ये 3 पीस का सेट बिकता है 1000 रुपीज का। ओके। हाँ, इसमें हमारे पास जैसे ये इजिप्शियन है, ये फ्लावर्स का सेट है। अच्छा। हाँ, ये फ्लावर्स का है, ये 3 का फ्लावर्स का बिकता है ये, और इसमें भगवान का भी है। आप आएंगे तो आपको मजा आ जाएगा, मतलब ठीक है, काफी अच्छी वैरायटी मिल जानी है। ऑलराइट। हाँ जी, कंटिन्यू करेंगे ओरिजिनल को। ये भी ओरिजिनल है, ऑयल ऑन, सॉरी, एक्रेलिक ऑन कैनवास। अब जैसे किसी ने ऑफिस वगैरह में इस तरह के आजकल सिंपल फ्रेमिंग जैसे चाहते हैं, वो भी मॉडर्न आर्ट में वो भी मिल जाएगा। ये ओरिजिनल वर्क है। अच्छा, 3500 की रेंज है वो। ओके। हाँ जी, इसके अलावा जो बर्ड्स हैं वो ओरिजिनल है? हाँ, एक ये हमारा जो है। सर, मैं एक्चुअली, मेरी आंख वहाँ पे रुक गई। हाँ जी, हाँ जी। ब्यूटीफुल वर्क। वो आर्टिस्ट है, वो थोड़ा महंगा आर्टिस्ट है, बहुत खूबसूरत है वो, मगर बस वो हम लोट उठाते हैं तो उसमें आ गया ये। सर, वो क्या प्राइस रेंज में? वो 1200 रुपए की एक है। अच्छा। हाँ, मुझे बहुत अच्छी लगी, काम बहुत बढ़िया वो पूरा। जब आप पेंटिंग्स को देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा हमारे व्यूअर्स को कि जब भी आप स्टोर पे आएंगे तो मेक श्योर दैट यू हैव लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आप एक एक पेंटिंग को गौर से देखिए। अब ये खूबसूरत वर्क है और ये शायद पूरा ये लॉस्ट था। हाँ, लेकिन गौर से देखा तो पता चलता है वो बहुत खूबसूरत काम है वो। हाँ, ना? बिल्कुल। और बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस है, आपने बताया 1200। एक ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है हमारे पास, बहुत अच्छा। ये क्या प्राइस है? ये 4500 रुपए का। ओके। हाँ जी। अच्छा, इसका क्या मीडियम है? ये भी वही एक्रेलिक कलर है, मगर इसमें सारा इम्बोज में और ऊपर वर्क भी किया हुआ है काम सारा। अगर आप थोड़ा इसको जूम करके दिखाएंगे तो जी बिल्कुल, तो फिर इसमें आपको वर्क नजर आएगा क्या वर्क किया हुआ है। अच्छा, कई सारे मीडियम इन्होंने यूज किए हैं इसमें, कलर्स के अलावा, है ना? आई गेस पेपर भी यूज किया है इसमें, आर्टिस्ट की अपनी कल्पना है। हाँ जी, हाँ जी। तो दिस इज माई फेवरेट। हाँ जी, दीज आर माई फेवरेट, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और वो डॉग वाला मुझे फेवरेट था। हाँ, बुद्धा इज नाइस। ये बुद्धा भी है और इसमें ये रेड इंडियन भी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक ये बड़ा साइज है, ये बड़े में जो है हमारे पास स्टार्टिंग रेंज है 4500 रुपए। अच्छा। अब लोकल बाजार में जाएंगे 4500 रुपए फ्रेमिंग चार्ज लग जाते हैं इतने बड़े साइज के। एग्जैक्टली। उसमें हमारे पास 4500, 5000, 5500, 7500, 9500 तक की पेंटिंग है इस साइज में। अच्छा। हाँ जी, मतलब जैसे आर्टिस्ट है उस हिसाब से प्राइस भी है। ठीक है। ये सेट ऑफ 3 कितने का? हाँ, ये 1950 रुपए का। ओके, ओरिजिनल की ही सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं अभी हम, हैंड वर्क के पूरे। ये देखो, ये 3600 का पेयर है। अच्छा। हाँ जी, उसकी हैंड वर्क के भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये एक बैम्बू का काम है, थोड़ा डिफरेंट मीडियम हो गया। हाँ, ये डिफरेंट मीडियम हो गया, ग्लास लगा हुआ उसके ऊपर, बैम्बू के ऊपर हैंडमेड काम है। अच्छा। इसी में प्रिंट भी आता है, ये 650 रुपए का एक है, और प्रिंट लोगे तो वो कोने में लगा हुआ है, वो 250 रुपए का है। अच्छा। हाँ जी। ओके। हाँ, और एक ये 3 पीस का सेट है, ये भी प्रिंट है, ये 700 का सेट है। अच्छा। हाँ, हालांकि अभी हम प्रिंट की सीरीज में गए नहीं है। हाँ, अभी हम उसकी भी बात करेंगे, सामने आ रहा है तो मैं आपको दिखाई जा रहा हूँ। ये ओरिजिनल होता है? ये ओरिजिनल है, बैम्बू का काम है ये। ओके। ये हैंडवर्क है? ये हैंडवर्क है जी। ये क्या प्राइस रेंज में? ये 1200 का है। ठीक है। एक ये नई सीरीज आई है हमारे पास, और इसमें सारा ये हैंडमेड वर्क है, राजस्थान के जो नेशनल अवार्ड आर्टिस्ट है उनका काम है ये। अच्छा। हाँ, आप अगर क्लोज करके देखेंगे इसको तो इस पर काफ़ी आपको काम फील देखेगा आपको। हाँ, इसमें ये जैसे गाड़ी की सीरीज है, गाड़ी की सीरीज है हमारे पास, काफ़ी सारी इसमें डिज़ाइन है। ये कैफे वगैरह में लग सकते हैं, मतलब इकट्ठे एक ही वॉल पे 10-10, 15-15 पीस लग सकते हैं, ऐसे चीज़ है। एक गैलरी जो हम फोटो गैलरी बनाते हैं। हाँ, पूरा। हाँ, वो आप इनसे क्रिएट कर सकते हैं पूरा कोलाज। है ये, मुझे लगता है कि हमेशा 10-12 पीस खरीदने चाहिए। हाँ, तभी अच्छे दिखाई देंगे, है ना? जगह के हिसाब से, अगर किसी के पास 3 की जगह तो 3 लगाएं, 2-3 लगाएं, लेकिन सिंगल उतना अच्छा नहीं दिखेगा। सिंगल बहुत छोटा पीस है तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, बाकी वो स्पेस के ऊपर, अगर आपके पास स्पेस है तो सिंगल भी लेंगे, हम सिंगल भी दे देंगे। ठीक है। आप अपने किसी एग्जिस्टिंग स्कीम में मर्ज कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, उनमें एक मर्ज कर लीजिए बस, ठीक तो वो कर सकते हैं। क्या प्राइस रेंज में बताया? ये 550 ईच है जी। अच्छा, ठीक है। ये मतलब ये राजस्थान के नेशनल अवार्ड आर्टिस्ट, उनका काम है। अच्छा, रीजनेबल प्राइस में हम दे रहे हैं। ठीक है। अब हम क्या देखने? अब हम आपको डिजिटल वगैरह दिखाते हैं। अभी जो नेक्स्ट सेक्शन है सर हमारा, वो है। हाँ, अब मैं आपको थोड़ा डिजिटल वगैरह दिखाता हूँ, प्रिंट वाले जो हमारे पास स्टार्टिंग रेंज है। अच्छा, ये मशीन से प्रिंट है? हाँ, ये मशीन प्रिंट है, ये 50 रुपये की है। अच्छा। हाँ जी, एक इसमें ये साइज़ है 50 रुपये में, एक हमारे पास ये साइज़ है 50 रुपये में। ओके। हाँ जी, ठीक है। और इससे बड़ा फिर ये 100 रुपये का है, फिर 200 का है, फिर
उसमें मेरे पास जो पेंटिंग भी है प्रिंट भी है, मैं जो आएगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। इसमें मोस्टली प्रिंट है। हाँ जी, कुछ आपका हैंडवर्क भी आएगा। हाँ जी हाँ जी, ये हमारे दिवाली के लिए नया आया है ये वाला। ये अगर किसी को गिफ्ट देना दिवाली गिफ्ट, ये 550 रुपये की रेंज में है। ये पर लेमिनेशन है और ऊपर स्टोन का काम किया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत फाइन काम देगा। अब इसमें आपके कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मगर काम बहुत फाइन है इसमें। हाँ जी, ये जो मीडियम है बता दें एक बार। हाँ जी, कि ये ऊपर से पेस्ट किया गया है, ये लेमिनेशन है, केमिकल होता है वो, पोस्टर जो प्रिंट के ऊपर जो है केमिकल डालते हैं। हाँ। और फिर उसके बाद वो गीला गीला होता है, उसके ऊपर स्टोन लगा देते हैं, फिर स्टोन और उसका सूखने के बाद फिर ये पोजीशन दिखती है। वेरी नाइस, ये अभी नया कुछ शुरू किया है। ये लेमिनेशन तो पुराना, मगर ये जो इतना फाइन लेमिनेशन जो है वो पहली बार आया है। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी बताइए, 550 रुपये की रेंज है। अच्छा। हाँ, काफ़ी हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऑप्शन है इसमें हॉर्स। हाँ, ये बुद्धा है। जी सर, दिखा दीजिए मुझे एक तो। ये बिल्डिंग्स वाला वो दिखाया, जैसे ये फ्लावर्स में है। अच्छा। हाँ। इनमें सब में जितने स्टोन हैं वो ऊपर से स्टोन, चिपके ये स्टोन वाले हैं। इसमें भी स्टोन चिपका। हाँ जी, हुआ हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। रोज में भी है। हाँ, एक वो आपको राजस्थान वाला दिखाया था मैंने जी, उसमें एक मेरे पास ये भी काम है हैंडमेड में। ये देखिए। अच्छा। ये पुराने स्टाम्प पेपर है, उसके प्रिंट है, फिर उसके ऊपर हैंडमेड ये वर्क किया हुआ, ये ऐसे पेयर करके है। ये हैंडवर्क है, ये प्रोडक्शन नहीं है। नहीं नहीं, ये पीछे नीचे वाला जो प्रिंट है वो जो स्टाम्प पेपर होते थे ना पुराने, एंटीक पीस है वो। हाँ, वो एंटीक पीस में होते थे, उसके प्रिंट आई है। अरे वाह। फिर उसके ऊपर जो है ये पेंटिंग की हुई हैंडमेड। वाह। हाँ जी, बहुत वंडरफुल आइडिया। हाँ, बहुत बढ़िया, क्रिएटिव इमेजिनेशन ऑफ एन आर्टिस्ट। हाँ जी। ओके। ये इसमें भी हमारे काफ़ी है, हमारे पास काफ़ी। हाँ जी हाँ जी, मिल जाएंगे। और जो हम देख रहे थे वन ऑफ माय फेवरेट, मुझे अच्छा लगा था, आपने बताया कि अवार्ड विनिंग जो है पेंटर, ये वो है, उनका वर्क है ये। हाँ जी, पूरा का डिटेल वर्क है, डिटेल वर्क काम, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। हाँ, बहुत बढ़िया काम है जी। और इसके बाद ये देखिए, ये साइज एक है हमारे पास। अच्छा। हाँ, ये साइज है 22x42। अच्छा। हाँ जी, ये 500 रुपये का है, ये साइज बड़ा है, प्राइस कम है। अच्छा। हाँ, क्या प्राइस है सर? ये 500 का है ये। ठीक है। हाँ जी, ये वो चीज़ है, तो जिन लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव करना है उनके लिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ, एक इसमें ये साइज है, इसमें प्रिंट उससे थोड़ा बेटर है प्रिंट, आप फिनिशिंग भी देख रहे होंगे, क्वालिटी भी देख रहे होंगे, साइज छोटा, मगर ये भी 500 का है, उससे छोटा है। हाँ, और ये भी 500 का है। इसमें आपको काफ़ी वैरायटी मिलेगी। इसमें मेरे पास एक वैरायटी है जो आप होटल्स वगैरह में जो है, ये इस तरह की जो है, ये होटल्स में हमारी बहुत जाती है, बल्क में जाती। हाँ, बल्क में जाती है ये होटल्स में, रूम्स में 500 रुपये में होटल का रूम सर जिया उसका जी, तो ठीक बात है। हाँ, वो भी खुश और भी खुश। और होटल में तो गैलरी में भी लगती है, गैलरी में भी लगती हैं और लॉबी में भी लगती हैं, काफ़ी अच्छी जगह। और इसमें प्रिंट काफ़ी अच्छे हैं, मतलब दीवार पे लगने के बाद पेंटिंग ही लुक देंगे, है तो ये प्रिंट मगर पेंटिंग लुक देंगे। एग्जैक्टली। हाँ जी, ठीक है। और इसमें जो है साइज, एक ये साइज़ है, एक और बड़ा साइज़ है, अगर किसी को और बड़ा चाहिए प्रिंट में, ये वही साइज़ है, 28x52 का साइज़ है जो मैंने पेंटिंग में दिखाया आपको, वही साइज़ है, ये 1300 रुपये की है। अच्छा। हाँ, ये इसका रिप्रोडक्शन? हाँ, ये हैंडमेड है? नहीं, ये प्रिंट है, डिजिटल डिजिटल वाले। हाँ जी, इसका प्रिंट बहुत अच्छा है। हाँ, ये डिजिटल अच्छे प्रिंट है, इसमें भी काफ़ी प्रिंट है हमारे पास। और इसके ऊपर वाला? ऊपर वाला वो हैंडमेड है। अच्छा। हाँ, एक ये प्रिंट आया है, ये भी, ये इसके ऊपर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पर थोड़ा थोड़ा आपको शाइनिंग नज़र आ रही है, ये फील हो रहा है हाथ में, आप जी हाथ से फील। ये क्रिएट किया गया? हाँ जी, ये का नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो ये वो नया, बिल्कुल नया लेटेस्ट आया है ये। वैसे है ये प्रिंट? है प्रिंट ये, उसके ऊपर किसी ने कुछ वर्क किया है? मशीन मेड ही है वैसे ये। अच्छा। मशीन से ही ये प्रिंट ऐसे निकला है, जिससे कि आपको लगे कि कुछ फील हो रहा है। ठीक है। ये 1600 की रेंज है। ऑलराइट। फिर इसके बाद ये भी प्रिंट्स हैं, इसके ऊपर वही लेमिनेशन जो मैंने पहले छोटे में बताई 550 वाले में, ये उसमें, ये 2500 की रेंज है। अच्छा। ये भी वो स्टोन का काम है और वो है, इसमें भी वैरायटी है। ये दिवाली के लिए आया है मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, ये मिल जाएगा आपको। हाँ, ये बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ जी, में। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ पे ये ओरिजिनल ओरिजिनल वर्क है। एक इसमें ये वो बार बार के लिए अगर जैसे लगाना है तो ये पेयर में है, गिलास का ये ऐसे पेयर मिल जाएगा जी। हाँ जी, एक ये 3 पीस में है, ये 3 पीस में सब ओरिजिनल है। हाँ, ये सब ओरिजिनल है। एक ये हमारी बहुत फेवरेट है, ये फेरी का, ये तीन का सेट है, ये सेंटर में लगती है और ये दोनों साइडों में लगती हैं। ओके। हाँ जी, ये भी ओरिजिनल है। ये भी ओरिजिनल है, 10500 रुपये का पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी। और ये वाले जो हैं, ये सारे रिप्रोडक्शन है, प्रिंट है? ये नहीं, ये कैनवास पेंटिंग है। अच्छा, कैनवास के ऊपर ओरिजिनल है। हाँ जी हाँ जी।
ये क्या प्राइस है? ये 2000 का है। ठीक है, मतलब पहले का बड़ा है 2000 का, अभी जो आ रहा है वो 2100-2500 रेंज में है। ठीक है, अलग अलग है। और ये वाला, ये भी इम्बोस में है, ये दिवाली के लिए है बस। इसमें और इसमें तो कई सारे मीडियम यूज किए हैं आर्टिस्ट ने, मसलन इसमें स्टोन यूज किया है और पेपर यूज किया है और कलर्स यूज किए हैं, आई गेस थर्मोकोल है, क्लोथ भी यूज किया है, फैब्रिक यूज किया है, जूट यूज किया है। राइट, ये आर्टिस्ट की अपनी क्रिएटिविटी होती है, कुछ वो कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, एक ये देखिए पीछे आपके, जी सर, ये स्टोन में ही है, वो लेमिनेशन में, स्टोन में थोड़ा मॉडर्न में। अच्छा, हाँ, ये आप लोबी वगैरह में लगा सकते हैं कहीं ऐसी बोलो। अच्छा, इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे मर्जी लगा सकते हैं। हाँ, क्योंकि तो एब्स्ट्रैक्ट है ये। हाँ जी, ये वो चीज़ है। अच्छा, एक आई थिंक ये गैलेक्सी के थीम के ऊपर है पूरा। हाँ जी। अच्छा, ये सर, हाँ, एक देख सकते, ये साइज बड़े हैं। हाँ जी, ये वो मैंने आपको जो दिखाया ना 4500 रुपये की रेंज वाला, हाँ जी, उसमें उसी में ही अलग अलग हैं। अब ये 7500 रुपये का है, ये भी वही है, ये भी 7500 वाला है, ये 9500 रुपये का है। अच्छा, हाँ, वो ये 4500 का है। ओके, हाँ, वो जैसे काम है उस हिसाब से। ओके, ये 7500 का है। ठीक है, वो ये ऐसे पड़े रहे तो हमें पता नहीं लगता, जब आप सामने रख के देखेंगे तो आपको तो इसकी गेटअप पता लगेगी। ठीक है, एक मैं और आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ डिजिटल पे। ठीक है, उससे पहले सर एक चीज़ और देखेंगे। हाँ जी, ये सर आपको पॉज इसलिए किया है क्योंकि एक मेरा फेवरेट पेंटिंग निकला है इसमें। हाँ जी, ठीक है, तो हर इंसान का अपना एक टेस्ट होता है, तो अब हम एक आपको पेंटिंग दिखाएंगे जो आई एम काइंड ऑफ इन लव विद दैट बिकॉज इट हैज अ क्लास ऑफ इट्स ओन। इधर ही से दिखा दीजिए मुझे। हाँ, ये वाओ, अब वो ऐसा ही पता लग रहा था आपको, अब देखोगे। दिस इज सो नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत डिटेल वर्क है इसमें। और ये मंक्स हैं बेसिकली दो, और ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर यही इसका पैटर्न है जिसमें दो एब्स्ट्रैक्ट पीछे रखा गया। सर क्या प्राइस रखा है हमने इसका? ये 9500 रुपये का। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ, और हो सकता है कि आई वुड लाइक टू बाय वन ऑफ सेम, ऐसा कुछ रहेगा तो मैं भी खरीदना चाहूँगा। ठीक है सर, वो जो अभी हमने लास्ट पेंटिंग देखी, आई लाइक दैट, जिसमें मंक थे वो। हाँ जी, सो आई वुड लाइक टू बाय दैट पेंटिंग, है ना, मैं खरीदना चाहूँगा। हाँ जी, बिल्कुल आप लो सर, बहुत अच्छी बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, और हमने कई सारी फेवरेट भी बता दी अपनी। हाँ, मसलन वो है और जो बुद्धा हमने देखा भी, क्योंकि आई एम एन आर्ट लवर, मुझे आई एम अ कनोशियर माई सेल्फ, मुझे खुद आर्ट अच्छा लगता है, ओरिजिनल वर्क मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेरा फेवरेट चॉइस है। हाँ जी, ठीक है, आज हमने बहुत सारी मीडियम देख ली, एक मीडियम है जो अभी बाकी है और जो एक बड़ा सरप्राइज है। बताइए, ये एक हमारे पास डिजिटल प्रिंट कैनवास के ऊपर हम प्रिंट निकालते हैं। ये देखिए, ये किसी की पर्सनल है, मतलब अगर आपने अपनी पर्सनल निकालनी होगी तो ये भी हम ये करते हैं। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि एक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर को आप इस तरह से कैनवास पर प्रिंट निकलवा देते हैं। हाँ, निकाल देते हैं, और ये फिर जब फ्रेम हो जाती है तो फिर थोड़ा पेंटिंग लुक ही देती है, और बहुत आम जो कैमरा प्रिंट होता है उससे बहुत अच्छी लगती है ये। एग्जैक्टली, हाँ, और उससे थोड़ी सस्ती भी बढ़ती है। अच्छा, हाँ, उससे सस्ती बढ़ती है ये। ठीक है, मतलब हमारे पास सस्ती पड़ती है, बाकी बाहर वाले क्या रेट देते हैं हमें नहीं मालूम। ठीक बात है, मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जैसा आपने कहा कि जब आप इसको कैनवास पे प्रिंट देंगे तो थोड़ा ग्रेन्स देगा, वो अच्छा लुक देता है। हाँ जी, हाँ जी, ओरिजिनल का लुक देगा, पेंटिंग का लुक देगा। हाँ जी, कलर्स थोड़े कैनवास पे ज्यादा अच्छे प्रिंट आते हैं। हाँ जी, फ्रेम होने के बाद इनकी लाइफ जो है कंपेयर टू पेपर ज्यादा होती है, पेपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खराब हो जाता है। हाँ जी, इनका जितने भी हमने वर्क देखे इंक्लूडिंग ये, हाँ जी, इनको इनका लाइट से यूवी से कुछ कलर फेड आउट, कलर डिग्रेडेशन, दीवार पे लगने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छा, जल्दी खराब हो जाती है। अच्छा, काफी तो 4-5 साल आराम से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो वो लोग हो गए जिनके पास अपने खुद के फोटो हैं। हाँ, वो आपको दे दें तो आप प्रिंट करा देंगे। हाँ, ऐसा और किसी के पास ऐसे फोटो अभी वो हिल स्टेशन पे गए हैं, फोटो खींच के लाए हैं और उसको प्रिंट निकलवाना है, वो भी हम निकाल देंगे। या इसी में ही हमारे पास अपनी वो है PDF है, हम आपको भेज देंगे PDF, आप उसमें से चूज करके हमें साइज बताइए, हम वो निकाल देंगे। अच्छा, हाँ, ये मतलब फोटो का जैसे मॉडर्न आर्ट वगैरह हो गया, लैंडस्केप वगैरह हो गया, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं हमारे पास जो हम आपको PDF से भेज सकते हैं, और आप अपना आराम से उसमें चूज़ करके और हमें बता दीजिए और साइज़ बता दीजिए, हम वो निकालवा देंगे। ठीक है, हाँ जी, बस इसमें ख्याल ये रखना है कि जो आपके खींचे हुए इमेजेस हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तब आपको ये रिजल्ट आएगा, तब रिजल्ट आएगा, अदरवाइज वो रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं, हाँ, हाई रेजोल्यूशन होना चाहिए, बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन, अदरवाइज वो इमेजेस का फ्रेम छोटा हो जाएगा।
अदरवाइज आप उनको इतने बड़े साइज में प्रिंट ना करके छोटा प्रिंट छोटे साइज हो जाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। और जो आप पीडीएफ भेजेंगे उसमें सब नेचुरल्स का होगा या फिर मॉडर्न आर्ट ज्यादा, मॉडर्न आर्ट ज्यादा मिलेगा आपको और मतलब अच्छे हैं उसमें आप काम चल जाएगा। और वो चीज जो होटल वाले आजकल बड़ा लगा रहे हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है, अगर वही पेंटिंग अगर बनवा दो लाखों रुपए की पेंटिंग है और ये अपना कुछ ही मतलब हजार में भी काम हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और सर, आपने हमें लास्ट टाइम दिखाई थी, क्या हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि जहाँ पे हम फिल्म एक्टर्स के फेसेस को पेंट करा रहे थे? हाँ जी, लाइक नरगिस आपने हमको दिखाए थे, राज कपूर आपने हमको दिखाए थे, आर वी स्टिल इन दैट सेम ट्रेड, आर वी स्टिल सेलिंग? वो ऑर्डर पे बनाते हैं हम, ओनली ऑन ऑर्डर। हां, ऑर्डर पे बनाते हैं। ओके, इससे एक और चीज सवाल सर, सपोज अभी क्या हो रहा है, मैं अब ये सब पूरे इंडिया में आ चुका है कल्चर, कि मैरिज एनिवर्सरी पे लोग अपने पेरेंट्स के पोर्ट्रेट बनवाते हैं, या बर्थडे पे बच्चों के पोर्ट्रेट बनवाते हैं, हैंडमेड, उनकी बात ही अलग होती है। तो क्या फोटो देके हम आपके आर्टिस्ट के थ्रू करा सकते हैं? वो भी है हमारे पास, वो तीन चार तरह के आर्टिस्ट हैं, मतलब जैसे कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता जाएगा, वो उसमें उस तरह के आर्टिस्ट है, आप जितना बढ़िया कहोगे उतना बढ़िया वाले भी आर्टिस्ट हैं। अच्छा, हाँ मतलब हर तरह के आए, और ये तो आप सस्ता वाला देख ही चुके हैं। ये ठीक बात है, ये बहुत अच्छा गिफ्टिंग का एक तरीका है सर। तो वो हम हमारे व्यूअर्स को रिमाइंड करा दें कि अगर आपके घर में सीने से, मेरे पास एक अभी आया, मैं वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, चाहे एक मिनट पॉज कर, प्लीज 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 जी, उसी को कंटिन्यू कर रहे थे आप। हाँ जी, ये अभी किसी ने अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देना है, अच्छा, तो उसका फोटो खींच करके वो उसको प्रिंट करवा के और वो देना चाहते हैं। अच्छा, तो पूरा तो नहीं दिखाएंगे मगर आपको फिर भी थोड़ा आइडिया दे देते हैं। ठीक, आप देखिए, दिखाइए। ओके, वी रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ द पर्सन, उनकी अपनी प्राइवेसी है इसलिए हम पूरा नहीं दिखाएंगे। ये किसी ने आपको फोटो भेजा है और आपने वो फोटो को प्रिंट करके कैनवास पे निकाला है। हाँ जी। अच्छा, ये किसी को गिफ्ट करने वाले हैं वो। हाँ जी। और नीचे आप एक टैगलाइन उन्होंने दिया हुआ है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो आइडिया ये है सर का कहने का कि आप इस तरह से आप अपने फोटो भेज के कोलाज बनवा सकते हैं, इमेजेस करा सकते हैं। लगे ये देखिए, ये भी एक और इमेज है, यहाँ पे दो तीन इमेजेस को इस्तेमाल किया उन्होंने, है ना? एक ही उसके ऊपर, एक ही कैनवास के ऊपर जो है तीन चार फोटो है वो हमने यूज किए। ठीक है, ओके, सो टाइम टू रैप अप नाउ। और सर अभी प्लग आउट करने की बारी है। हाँ जी, जाने से पहले हम एक बार आपसे पूछेंगे कि पेंटिंग्स बहुत अच्छी देख ली हमने, तमाम मीडियम देख लिए, हैंड पेंट देख लिया, स्क्रीन प्रिंटिंग देख ली, और इसके अलावा बैम्बू, बैम्बू प्रिंट, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, एथनिक, लैंडस्केप, फ्लोरल, पोर्ट्रेट, मॉडर्न लैंडस्केप, और यहाँ तक कि इवन हमने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी देखी। हाँ जी। अब जो लोग हमारे, उनको क्यूरोसिटी हो गई होगी हमारे व्यूअर्स को, वो चाहते हैं कि वो खरीदना चाहते हैं, तो क्या प्रोसीजर है सर? उनको गैलरी में ही आना पड़ेगा, गैलरी में काफ़ी वैरायटी है। ख़ास तौर से मैं महाराष्ट्र वाले और बेंगलोर वालों को ये बोलूँगा क्योंकि वहाँ से मेरे को बहुत फ़ोन आते हैं, वो यहाँ आए और देखें, और जब भी आए दिल्ली हमारे पास गैलरी में विजिट करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही, आप दिल्ली के बाकी जगह में इतना अच्छा आपको व्यू नहीं आएगा जितना हमारी शॉप पे आएगा। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मगर आप एक बार ही आइए, एक बार ही आइए फिर आपको पता लगेगा। महाराष्ट्र वाले तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही खुश हो जाएंगे। हाँ ग्रेट, सो आई रिपीट दिस इन इंग्लिश, व्हाट सर इज ट्राइंग टू टेल अस दैट दिस सर्विस इज अवेलेबल ओनली फॉर पीपल हु विजिट हियर। You have to personally come here. They cannot be delivered at the doorstop for technical reasons, but that can be anything. So you have to visit to this gallery. You want to buy one or you want to buy 100. For anything, you have to visit to the gallery because door delivery is not possible as of now. So if you are traveling to Delhi, make sure you visit Archit Art Gallery and I'm sure you will not regret this. Right, sir? Beautiful. Thank you very much. Thanks a lot for talking to us. Thank you. Namaste. Namaste.